अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबाकराम, जमालकोटा का मदर टिंक्चर, इसमें इसका जो नाम है उस वक्त कंफर्म नहीं है कि कैरोटीन के नाम से ये होम्योपैथी में मिलता है मदर टिंक्चर। ये इसको कहते हैं क्यों क्यों पावर में मदर टिंक्चर मिलता है। अगर आपको वो ना मिले तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने कुचला असवेज रोज ले लें और उसमें 10 गुना आप अल्कोहल मिला लें। यानी अगर 100 ग्राम कुचले के बीज हैं तो उसमें एक लीटर उसमें आप अल्कोहल मिला लें। उसको आप 15 से 20 यौम तक रखें अंधेरे में, उसको रोज़ाना एक दो दफ़ा हिला दिया करें। तो उसके बाद आखिर में जब आप इसको टाइम पूरा हो जाए 20 दिन का, तो इसको निकाल के इसको फिल्टर कर लें। ये आपका मदर टिंक्चर तैयार है। तो अब यूं करना है कि ये एक तिले का नुस्खा है, उसमें ये मदर टिंक्चर इस्तेमाल होगा। ये आपने मदर टिंक्चर डालना है सिर्फ 5 मिलीलीटर, 5 ml। लौंग का तेल, रोगने मछली और रोगने तरपीन और रोगने बिरबुटी, ये सब आपने लेने हैं 15 15 ml। और अब मदर टिंक्चर और जो रोगनियात है इन सबको मिला लें तो तिला आपका तैयार है। ये नीचे ना आर्गन के नीचे ना लगे और आगे कैप पे ना लगे। ये सिर्फ याद रखें कि तिला कोई भी है इस तरह का, ये ऊपर लगाना है या साइडों पे बस, और जड़ की तरह तक लगाए, आगे बिल्कुल नहीं लगाना और नीचे भी नहीं लगाना। तो पहली बार लगाने से ही ये करंट डाल देता है और उससे रिजल्ट मिलता है। बहुत ही आला और मुफीद तिला है। नफ्स की जुमला खराबियों, टेढ़ापन, कमजोरी, उसमें इस्तरखा हो, दरमियान से पतला होना, जड़ से पतला होना, इन तमाम मसाइल के लिए, या दाएं तरफ टेढ़ा या बाएं तरफ टेढ़ा, तो इन बाज लोगों के आर्गन में गिल्टी सी बन जाती है, गोमट सा बन जाता है, रसोली सी बन जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है तहलील करने के लिए, क्योंकि इसमें रोगने जमालकोटा शामिल है। तो जो बाकी रोगनियात है वो ताकत देने के लिए है, यानी ये ताकत भी देता है। तो ये था नुस्खा जनाब हकीम मोहम्मद असलम साहब का। इसके साथ ही मैं आपको एक टोटका भेजा है, वो भी हकीम मोहम्मद असलम साहब ने भेजा, कि अगर आप हमबिस्ती से पहले मामूली मिकदार में हाथों पर हल्का सा टेलकम पाउडर डाल के करके उसको फूंक मार के उड़ा दें, और फिर बाकी जो थोड़ा बचा हुआ है उसको यानी एक दफा फिर उसको हाथों पर मल के, तो उसमें मखसूस पे उसको लगा लें, बिल्कुल इतनी मामूली मिकदार में लगे। तो उसके बाद मशगूल हों तो हम बिस्तरी के लम्हात बहुत पुर लज्जत होंगे, लज्जत भी ज़्यादा होगी, उसके अलावा शहवत भी खूब आएगी, औरत का जो उसमें पानी निकलता है इस दौरान वो भी कम निकलेगा, और यानी बड़ा बाकमाल चीज़ है ये। इसको आप आजमाएंगे तो इसके ज़्यादा मैं फ़ायदे में बयान नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे, तो इसको आप आजमाएं और इसके फ़ायदे आप खुद जान लेंगे। तो इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।